मित्रों, ये सरकार भ्रष्टाचारी भी है और अत्याचारी भी है। इस सरकार के मंत्री संसद के बाहर भ्रष्टाचार करते हैं और अंदर लोकतंत्र पर अत्याचार करते हैं। आज जिस तरह से खाद्य सुरक्षा बिल पारित करवाने की कोशिश सरकार ने की, वो अपने कारनामों से ध्यान हटाने की कोशिश है। वो चाहते हैं कि उनके मंत्रियों द्वारा की जा रही लूट से देश का ध्यान बट जाए, सुप्रीम कोर्ट की प्रतिकूल टिप्पणियों से देश का ध्यान बट जाए और वो खाद्य सुरक्षा बिल पारित करवा लें। जहां तक बिलों का ताल्लुक है, मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि खाद्य सुरक्षा बिल, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, इन महत्वपूर्ण बिलों पर हम चर्चा के पक्षधर हैं। लेकिन जब सदन इतना तनावग्रस्त है, मंत्रियों और प्रधानमंत्री तक के इस्तीफे की मांग हो रही है, पुराना मामला तार्किक परिणति तक पहुंचा नहीं कि नया मामला उजागर हो गया है, उस समय पर हठीले बनकर खाद्य सुरक्षा बिल पर चर्चा कराना एक निंदनीय प्रयास है। आज आप सबने देखा कि केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, समूचा विपक्ष वेल में था और सभी दलों के, विपक्षी दलों के साथ साथ उनके सहयोगी दल बाहर से समर्थन दे रहे दल समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव भी बार बार उठकर कह रहे थे और उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री को व्यक्तिगत रूप से भी कह दिया था कि यह बिल शोर शराबे में पारित नहीं होना चाहिए, इस पर चर्चा मत करवाइए। उसके बावजूद जिस तरह की कोशिश संसद में की गई, उस कोशिश की हम पुरजोर निंदा करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी तरह का अभद्र दृश्य संसद में उपस्थित हो। हम कोई अमर्यादित आचरण नहीं करना चाहते, लेकिन यह सरकार विवश कर रही है संसद की सारी मर्यादाएं तोड़ने के लिए। पूरा विपक्ष इस पर सांझा है कि कोई भी बिल शोर शराबे में पास नहीं होना चाहिए और खास तौर पर खाद्य सुरक्षा बिल और भूमि अधिग्रहण बिल पर हम स्वयं चर्चा चाहते हैं। सरकार दोषी मंत्रियों का इस्तीफा ले और सदन चलाए। 10 तारीख तक सदन है, दोनों बिल पारित हो सकते हैं, लेकिन सरकार पहले जवाबदेही तय करे। देश को लूटने की जो एक सिलसिला पूरे सरकार के मंत्रियों ने शुरू कर रखा है, उस पर उन दोषी मंत्रियों का इस्तीफा ले और सदन चलाए। लेकिन जब तक ये मांग पूरी नहीं होती, तब तक किसी भी बिल को सरकार हठीले तरीके से जिद करके अगर पारित करने की कोशिश करेगी तो समूचा विपक्ष मिलकर उसका विरोध करेगा। आप मेरी उसी बात की पुष्टि कर रहे हैं जो आरोप मैंने उस दिन लगाया था। आप जो बात कह रहे हैं, आपका सवाल मेरी उस बात को, उस आरोप को पुष्ट करता है। आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, इसलिए मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। आपने स्वयं शब्द इस्तेमाल किया कि वो अगुवाई कर रही थी। नहीं, ये सार्थक है ही नहीं। इतने शोर शराबे में कोई सार्थक डिबेट हो ही नहीं सकती। एक या दो मिनट का सवाल नहीं, कोई सार्थक डिबेट हो ही नहीं सकती। लेकिन
बीजेपी के साथ कोई पहले बातचीत करने की कोशिश की थी? सरकार ने फूड बिल को लाएंगे और चर्चा शुरू करेंगे, बीएससी में बात हुई हो? बीएससी में तो हम गए नहीं थे, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि हम नहीं जाएंगे, इसलिए बीएससी में हम गए नहीं थे। लेकिन मुझे बताया ये गया कि बीएससी में सारे विपक्षी दलों ने ये कहा था कि कोई बिल शोर शराबे में पारित ना हो, और यही समझ बनाकर वो लोग उठे थे, लेकिन हम लोग वहाँ नहीं थे। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड दैट। नहीं, पर दिन में पास हम होने नहीं देंगे, करा कैसे पाएगी? दिन में पास हम होने नहीं देंगे। वो तो हो गया एक्सटेंशन, वो तो जेपी, देखिए रेजिग्नेशन जो नहीं, नहीं जेपीसी का एक्सटेंशन सपोर्ट किया है, और स्पीकर ने जो चिट्ठी लिखी जेपीसी मेंबर्स को, उसमें उन्होंने ये कहा कि आप स्वयं उस मीटिंग में ये विषय ले आइए। तो जेपीसी एक्सटेंड हुई है, और ये जो मीटिंग होगी उसमें वो उनके मेंबर्स तय करेंगे। हाँ, हमने चाको का एक्सटेंशन नहीं किया था, हमने जेपीसी के एक्सटेंशन को आज हाँ भरी है। यस यस, दैट विल सी, not in this session we can't bring it. At any stage where you ask for your members to speak on this bill today during the course of the day? No, not at all. When I'm saying that our first demand is that you take resignations of these ministers, then how can I ask my members to speak? Were you asked by government? No, we were not asked by the government. के अलावा कोई चारा नहीं है सरकार के पास? नहीं, बिल्कुल कोई चारा नहीं।